हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूसा काउंसलिंग के बारे में। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड टू का डिक्लेयर हो चुका है, तो आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको चेक करना है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बता दूँ, जो स्टैट्स है वो भी सामने निकल के आ गए हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने सीट्स बचे हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। टॉप प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी बच्चों की, कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट टॉप चॉइसेस कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चों ने चूज़ किया है। पहले बात करते हैं सीट अलॉटमेंट राउंड टू के रिजल्ट की, वो डिक्लेयर हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। स्टेप्स बता दूँ, joosa.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। देन उसके बाद राउंड टू काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बटन पे या फिर जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना। देन नया पेज आएगा, अपना लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। और आपका सीट अलॉट हुआ है कि नहीं उसके लिए आप देख सकते हो। जिनका भी सीट अलॉट हो गया अच्छी बात है, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि पार्टिसिपेशन, सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स क्वेरी और साथ में सीट अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो ध्यान रखना लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देखो, जिन बच्चों का भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका सेकेंड राउंड में डेफिनेटली सीट अलॉट हुआ है, और जिनका अभी नहीं हुआ वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स राउंड में हो सकता है। देखो, इस जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने की बात थी वो 1 नवंबर के शाम के 5 बजे, लेकिन वो लगभग 2 नवंबर को आया है। तो 2 नवंबर को काउंसलिंग भी स्टार्ट है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के साथ साथ जिनका भी सीट अलॉट हो चुका है, जिनको भी कॉलेज और सीट अलॉटमेंट हुआ है सेकेंड राउंड में, उनको ज़रूरत है कि वो अपना सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट अपलोड करें सीट कंफर्म करने के लिए। और जो डेडलाइन है वो 3 नवंबर शाम के 5 बजे तक है। मुझे उम्मीद है कि टाइम को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में भी बढ़ाया गया है। तो आप सारी प्रक्रिया इजी से अभी कर लो, ताकि आपको लास्ट समय में कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। और देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या फी पे करते हो तो उसको जो रिफ्लेक्ट होने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है, 6 से 12 घंटे का समय लगता है, तो उसके लिए वेट कर लेना। और आप अपने सीट कंफर्म के लिए फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने सीट से अगर सेटिस्फाई हो तो फ्रीज का ऑप्शन चुनना और सीट को कंफर्म कर लेना। और ये मत करना कि फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लिए। अपग्रेड चाहते हो तो डेफिनेटली फ्लोट चूज़ कर सकते हो आप, और फ्लोट चूज़ करोगे तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। और अगर आप फ्रीज चूज़ कर लेते हो तो आप अपने सीट को सिक्योर कर लेते हो, और जो आपकी पार्टिसिपेशन है फर्दर काउंसलिंग राउंड में यानी कि नेक्स्ट राउंड में वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब देखो, फ्लोट का ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो आपका सीट अगर सेकेंड राउंड में लॉट हुआ है तो वो सीट तो रहेगा ही, साथ में फ्लोट चूज़ करते हो तो अपग्रेड भी आपका सीट हो सकता है। तो अगर आप कन्फर्म हो कि आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज करो, नहीं तो फ्लोट भी कर सकते हो। और जो भी एप्लीकेंट अपने सीट से सेटिस्फाई नहीं है वो फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकता है अपने अलॉटेड सीट पे। और रिजल्ट थर्ड राउंड का आपको पता है 6 नवंबर को आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका सीट अपग्रेड हुआ है कि नहीं। अगर सीट अपग्रेड नहीं हुआ है तो आपको वो सीट ही रहेगा, उसी पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। 52,453 सीट्स अलॉट हुआ है कैंडिडेट्स को राउंड वन में। उसमें बहुत सारे बच्चों ने फ्रीज का ऑप्शन चूज़ किया होगा, यानी सीट कंफर्म किया होगा। बहुत सारे बच्चों ने फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन चूज़ किया होगा। फर्स्ट फेज की बात करें तो IITs में लगभग सारे सीट्स फुल हो गए हैं, तो बहुत कम सीट बचे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर सीट मिलता है तो आप उसको कन्फर्म ही कर लो, फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कर लो। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 31 अक्टूबर रात के 8 बजे तक हुआ, जो आपके प्रोसीजर्स थे वो फॉलो किए गए, और शाम के 8 बजे तक ये सारी काउंसलिंग चली है। 52,453 सीट्स जो अलॉट हुआ है आपका फर्स्ट राउंड में, वो जूसा के वेबसाइट पे इसके बारे में भी अपडेट आएगा कुछ दिनों बाद। और ये जो डेटा शेयर किया गया वो आपको बताऊँ, रिपोर्टेड लाइव हिंदुस्तान रिपोर्ट में कहा गया है IIT के ऑलमोस्ट लगभग जितने भी सीट्स थे वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं फर्स्ट राउंड में। यहाँ पे देख सकते हो, जो बच्चों का डिमांड था कंप्यूटर साइंस, काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, और कंप्यूटर साइंस फर्स्ट चॉइस था स्टूडेंट का और IITs में, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो डेफिनेटली एडमिशन ले लिया है। IIT पटना में मोस्ट डिमांडेड जो ब्रांच था वो कंप्यूटर साइंस था, और फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों ने लिया। लगभग देख सकते हो, जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग के बाद जो ये डिटेल सामने आया है, 447 सीट्स थे IIT पटना में, जिसमें से 500 सीट्स पे इनरोलमेंट हो चुकी है, मतलब सारे ब्रांचेस को मिलाकर। इसके अलावा CSE के बाद मैकेनिकल स्ट्रीम में भी लगभग सीट्स फुल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सीट्स खाली भी हैं, जैसे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसमें सीट्स खाली है। इसके अलावा 67 सीट्स आपका केमिकल इंजीनियरिंग, 67 सीट्स सिविल इंजीनियरिंग, 83 सीट्स कंप्यूटर साइंस,
83 सीट्स मैकेनिकल और 83 सीट्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 44 सीट्स मेटलर्जिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में रिमेनिंग है, जो अलग IITs है वहाँ पे रिमेनिंग है। तो बहुत सारे IITs के बारे में बताया गया है, लगभग फुल हो चुके हैं लेकिन कुछ सीट्स बचा हुआ है। IIT बॉम्बे बच्चों का फर्स्ट चॉइस था कंप्यूटर साइंस में या फिर अदर ब्रांचेस में भी, और टॉप रैंकर चॉइस था JEE एडवांस के एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चों ने IIT बॉम्बे को प्रायोरिटी में रखा है। इसके अलावा टॉप 100 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं, 55 स्टूडेंट्स ने, मोर देन 55 स्टूडेंट हैव पिक द IIT एज देयर फर्स्ट चॉइस, और इट इज़ फॉलोड बाय IIT दिल्ली में 35 स्टूडेंट का सिलेक्शन। देन टॉप 100 के लिस्ट में IIT कानपुर में भी बच्चे वहाँ पे एडमिशन लिए हैं। तो ये पूरा स्टैट्स था और काउंसलिंग के प्रोसीजर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ जो कि ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कर सकते हो @PallavasuFilm। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर से दबाना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।